हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेकंड चैप्टर लार्ज नंबर्स। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, इसको हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल एंड इजी एक्सरसाइज है, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फर्स्ट का राइट द नेक्स्ट फाइव नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स। जो नंबर दिया हुआ है इसके नेक्स्ट फाइव नंबर बताने हैं आपको। जैसे कि पहला आपको दिया हुआ है 9, 3, 1, 5, 8, 3। अब नेक्स्ट फाइव नंबर्स इसके बताने हैं, तो नेक्स्ट फाइव इससे अगला क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा 9, 3, 1, 5, 8, 4 इसका नेक्स्ट हो गया। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा 9, 3, 1, 5, 8, 5, 9, 3, 1, 5, 8, 6 इससे नेक्स्ट क्या होगा 9, 3, 1, 5, 8, 7 और देन 9, 3, 1, 5, 8। ये इसके नेक्स्ट फाइव नंबर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन इसके करने हैं, बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में क्या बताना है, ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। ऑब्जर्व करना है पैटर्न को, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले आपको बता देता हूं, फर्स्ट आपको दिया हुआ है पैटर्न ऑब्जर्व करना है और फिर उसके उसको ऑब्जर्व करके आगे के नंबर्स लिखने हैं 8, 3, 1, 5, 8, 6, 4, ठीक है। आगे है 8, 3, 1, 5, 8, 6, 5, ठीक है 8, 3, 1, 5, 8, 6, 6। अब देखिए इसके आगे के थ्री नंबर्स लिखने हैं 1, 2, 3, ठीक है। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है 8, 3, 1, 5, 8, 6, 4, 8, 3, 1, 5, 8, 6, 5, 8, 3, 1, 5, 8, 6, 6। तो देखिए अब यहाँ पर 8, 6, 4, 8, 6, 5, 8, 6, 6, यानी कि 64 के बाद 65, 65 के बाद 66, तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा 66 के बाद 67, 8, 3, 1, 5, 8, 6, 7, यानी कि 1 ऐड हो रहा है, नेक्स्ट नंबर बता रहा है इसमें, ठीक है। इसमें जो पैटर्न है ओनली नेक्स्ट नंबर का है, ठीक है 8, 3, 1, 5, 8, 6, 8, 67 था तो 68 हो गया, अब 68 के बाद 69 हो जाएगा 8, 3, 1, 5, 8, 6, 9, दिस टाइप, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। एक और मैं इसमें बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर बी इसका पैटर्न देखते हैं 5, 8, 9, 6, 8, 5, 4, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न क्या है 5, 8, 9, 6, 8, 6, 4, नेक्स्ट पैटर्न क्या है 5, 8, 9, 6, 8, 7, 4। अब इसके आगे के पैटर्न हमें बताने हैं 1, 2, 3, थ्री पैटर्न बताने हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या हम लोग ध्यान देंगे कि 8, 5, 4, 8, 6, 4, 8, 7, 4, यानी कि 10, 10 प्लस हो रहा है इसमें 10, 54 का 64 हो गया, 64 में 10 प्लस किया तो 74 हो गया। अब आगे क्या आएगा 5, 8, 9, 6, 8, 8, 4, ओके 8, 4 हो गया। अब देखिए अब इसके अगला क्या होगा 5, 8, 9, 6, 9, 8, 4, ओके। अब देखिए इससे नेक्स्ट क्या होगा 5, 8, अब देखिए 8, 4 है, सॉरी 9, 4 आएगा, यहाँ पे 8, 9, 4 आएगा, 8, 9, 4, 9, 4 है। अब 9, 4 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 9, 4 में अब 10 प्लस कर लेंगे, देखो मैं यहाँ पे इजी मेथड बता दो, 10 प्लस कर लेते हैं 4, 9, 1, 10, 1, 8, 1, 9, 9, 8, 5, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अब सभी नंबर्स में 10, 10 प्लस कर सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट पैटर्न पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा 5, 8, 9, 9, 0, 4, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वाला थर्ड क्वेश्चन है आपका काउंटिंग बाई फाइव्स राइट द नंबर्स बिटवीन। जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके बीच के पांच नंबर्स लिखने हैं, तो आप जैसे कि पहला लिखा हुआ है 3, 3, 1, 4, 2, 6, 4, 5 and 3, 3, 1, 4, 2, 6, 7, 0, इन दोनों के बीच में फाइव नंबर्स कौन कौन से आएंगे, जैसे 6, 4, 5, 6, 4, 5 के बाद
मतलब काउंटिंग बाई फाइव राइट्स द नंबर्स बिटवीन, यानी कि फाइव फाइव ऐड करना है इसमें, ठीक है। सिक्स फोर फाइव में फाइव ऐड करेंगे 650, 650 में फाइव ऐड करेंगे 655, ठीक है। 655 में फाइव ऐड करेंगे 66660। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री के कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बता देता हूँ, फोर और थ्री और फाइव एक जैसे लगभग क्वेश्चन है। पहले वाले में फाइव ऐड करना था, इसमें देखिए टेन ऐड करना है। नेक्स्ट थ्री नंबर्स लिख रहे हैं, देखिए 2654 8692। अब देखिए इसके आगे के थ्री पैटर्न्स आपको बताने हैं, यानी कि थ्री नंबर बताने की कौन कौन से होंगे। मैं इसको अरेंज कर देता हूं, सभी ध्यान से देखेंगे। देखिए ओके, अब देखिए 2654 8692। अब इसमें टेंस राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स, ठीक है। टेन ऐड करना है इसमें, सीधा सिंपल से मैं आपको बता रहा हूं, 2654 8692। इसमें टेन ऐड किया तो क्या आ गया, देखिए 8452। यस, ये इसका नेक्स्ट नंबर हो गया 2654 8702। इसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2654 8712। इसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2654 8722। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या करना था, 55 ऐड करना था। क्वेश्चन नंबर फाइव में 1000 का डिफरेंस है तो 1000 का ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है सिक्स, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, यानी कि डिजिट भी बताना है आपको। देखिए सिक्स का ए, फाइव डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। सबसे पहले देखिए स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर फाइव डिजिट का क्या होगा। देखिए आपने ये आपने क्लास फोर्थ में भी स्टडी किया होगा, स्मॉलेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम वन को लिखते हैं, उसके बाद जैसे पांच अंकों का पूछ रहा है, फाइव डिजिट का पूछ रहा है, तो फोर जीरो लगा देंगे। तो ये पांच फोर फाइव डिजिट का हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हो गया। इससे छोटा फाइव डिजिट का कोई भी अंक नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या है, ग्रेटेस्ट पांच अंकों का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, क्या होगा, पांच बार नाइन हो जाएगा, 5 times 9, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने के लिए आपको याद करना होगा कि भाई स्मॉलेस्ट पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 1 और 4 0, और सबसे बड़ी तो सारे 9 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिक्स का बी भी आप कर लेंगे, सिक्स का सी डी ई एफ सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजिली, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया हुआ है, सेवन में दिया हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल्ड डिजिट, यानी कि जो सर्कल में है डिजिट उसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। ध्यान देंगे आप सभी लोग 90382। अब इसमें जो सर्कल है वो सिक्स है, अब इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी, तो प्लेस वैल्यू भी आपको आपने क्लास फोर्थ में स्टडी किया होगा। देखिए मैं प्लेस वैल्यू निकालना सिखा देता हूँ एक बार और रिपीट कर देता हूँ, और देखिए प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस सिक्स की निकालनी है, तो सिक्स को क्या गया सिक्स, और सिक्स के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई एफ जी एच आई सारे क्वेश्चन से वैसे करने हैं, जिस पर सर्कल लगा हुआ है वो सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट है, एट में क्या लिखा हुआ, राइट द ग्रेटेस्ट नाइन डिजिट नंबर एंड आल्सो राइट इट सक्सेसर, यानी कि नौ अंकों का सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था अभी, तो नौ बार नाइन को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद सक्सेसर भी बताना है, सक्सेसर में क्या होता है, सक्सेसर में एक अंक आगे, यानी कि इससे अगला नंबर क्या होगा, यानी इससे अगला नंबर क्या होगा, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करते क्या हो जाएगा,
जीरो 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 वन, तो ये इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा इसका आपका वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओके इसमें आएगा एक और जीरो, ओके देखिए तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इसका सक्सेसर, यानी कि एक अंक आगे एक नंबर आगे कौन सा नंबर होगा वो आपको बताना होता है, उसको बोलते हैं सक्सेसर, ओके। क्वेश्चन नंबर एट आप सारे ऐसे कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट थ्री इन द नंबर, तो इसमें क्या प्लेस वैल्यू किसका निकालना है, थ्री का। जिस तरीके से अभी आपने ये क्वेश्चन किया है इसमें सर्कल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको इसका क्या, इसमें क्या सर्कल नहीं दिया हुआ है, तो आपको थ्री जिसका भी जोन से भी डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू पूछ रहा है उसको आप कैसे निकालेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ फाइव, वैसे सेम ऐसे ही है बिल्कुल, को नो चेंजिंग है, सिर्फ ओनली सर्कल नहीं इंडिकेट किया हुआ है, सिर्फ उसको क्या बता दिया गया कि किसका आपको बताना है, तो फाइव थ्री टू फोर फाइव सिक्स सेवन इसमें से थ्री का आपको बताना है, तो थ्री का क्या होगा, थ्री का थ्री हो गया, इसके आगे कितने नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो इस तरीके से ये इसकी क्या होगी प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से नाइन के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर टेन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर, इनको नंबर्स को फिगर जितने भी लिखे हुए हैं वर्ड्स को इनको फिगर में लिखना है, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वर्ड में इनको फिगर में लिखना है, तो लिखा है फाइव करोड़ टेन लैख सेवेंटी थाउजेंड एंड टेन, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर टेन पर, पेज नंबर टेन पे दिया हुआ है पेज नंबर टेन पर, तो आपको पहले सबसे पहले कुछ चीजें याद करनी होंगी, वंस टेंस हंड्रेड वन थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड वन मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम दिया हुआ है, और नीचे क्या है इंडियन सिस्टम दिया हुआ है, वंस टेंस हंड्रेड वन थाउजेंड टेन थाउजेंड वन लैख टेन लैख वन करोड़ टेन करोड़, ये इंडियन सिस्टम दिया हुआ है, तो ये चार्ट आपको बनाने भी है कॉपी में और इनको याद भी करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इन सब चीजों को याद करना होगा, उसके बाद जैसे ही आपको याद हो जाएगा इजिली यू कैन राइट, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, यू कैन सॉल्व, ठीक है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टेन आप इजिली आप इसको कर लेंगे, तो लेकिन आपको सबसे पहले इसके लिए चार्ट आपको याद होना होगा, आपको पहले पता होना कि सबसे पहले क्या चीज आती है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ठीक है, लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़, इस तरीके से आपको इंडियन सिस्टम का भी याद करना होगा और इंटरनेशनल सिस्टम का भी, तो सारे क्वेश्चन आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है पुट कोमास इन द प्रॉपर प्लेस टू शो द इंडियन पीरियोडिक आल्सो राइट देम इन वर्ड्स, देखिए ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको कोमा लगाने हैं, कोमा, ठीक है, तो कोमा कैसे लगाएंगे, आपको पहले कुछ इसके रूल्स याद करने होंगे किस तरीके से कोमा इसमें लगाते हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज देखिए वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड के बाद कोमा लगता है, फिर उसके बाद थाउजेंड टेन थाउजेंड के बाद कोमा लगता है, फिर लैख फिर टेन लैख के बाद कोमा लगता है, फिर करोड़ टेन करोड़ के बाद कोमा लगता है, इस तरीके से आपको कोमा वाला फॉर्म आपको याद करना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, आप इजिली इसके द्वारा सारे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर देखिए सेवन टू थ्री फाइव जीरो सेवन जीरो, सेवन टू थ्री फाइव जीरो सेवन जीरो, अब इसको कोमा में लिखना है, कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस नंबर को आप लिख लीजिए सेवन, या इधर से लगाना स्टार्ट करें जीरो सेवन जीरो, और देखिए कोमा हो गया वंस टेंस हंड्रेड वंस टेंस हंड्रेड वंस टेंस हंड्रेड, हमने कोमा लगा दिया, इसके बाद फाइव थ्री फिर कोमा, ठीक है, फिर क्या सेवन टू, ये इसका कोमा फॉर्म हो गया, ओके। तो ऐसे कोई क्वेश्चन और भी आप इजीली आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में भी आप लिख लेंगे, है कितना हो गया वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख, तो सेवेंटी टू लैख थर्टी फाइव फाइव थाउजेंड सेवेंटी, ये इसका वर्ड्स में हो जाएगा, तो वर्ड्स में आप लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, अब देखिए सबसे पहले आपको इंडियन जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो बनाना होगा, और मैंने आपको भी अभी बताया था कि पेज नंबर टेन, यस राइट, लेट्स सी पेज नंबर टेन, देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है,
तो इस चार्ट को आपको बनाना है। देखिए मैं थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में मैं बना दूंगा जल्दी से थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। और ये देखिए अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, यस लेट्स सी। देखिए आपको फास्ट में बना के दिखाऊंगा, लेट्स सी फास्ट। देखिए मैं लिख देता हूं वंस टेंस हंड्रेड टेन हंड्रेड हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, टी एच ओ यू एस ए एन डी थाउजेंड टेन थाउजेंड आप लिख लेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है, टेन थाउजेंड और टेन थाउजेंड के बाद आ जाएगा आपका लैक, वन लैक भी लिख सकते हैं आप, ओनली लैक भी लिख सकते हैं, टेन लैक, इसके बाद करोड़, करोड़ के बाद टेन करोड़, ठीक है, करोड़ अरब। तो ये इंडियन फॉर्म है, अभी हम इंडियन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। देखिए वंस में क्या आता है, वन टेंस में वन जीरो, हंड्रेड टू जीरो, थाउजेंड में थ्री जीरो, टेन थाउजेंड में फोर जीरो, लैक में फाइव जीरो और टेन लैक में सिक्स जीरो, करोड़ में सेवन जीरो, टेन करोड़ में एट जीरो और अरब में नाइन जीरो। इस तरीके से आप इस टेबल को बना लेंगे। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वंस, इस कैटेगरी को बोलते हैं वंस। नेक्स्ट बोलते हैं हम थाउजेंड, टेन थाउजेंड तक जो होगा इसको बोलते हैं थाउजेंड। आगे है लैक्स, ये यहां तक हो गया लैक्स, ठीक है, आगे करोड़। मैंने थोड़ा सा आपको राइटिंग हल्का सा कम समझ में आ गया, बुक में देख सकते हैं मैंने थोड़ा फास्ट लिखा है। अब देखिए अब क्या करना है इसमें, हम क्वेश्चन नंबर वन ले रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ था, 5167890 इसको हमें इसमें लिखना है। तो ऐसे आप चार्ट पूरा बना लेंगे, एक चार्ट बड़ा सा बनाएंगे, छोटा चार्ट नहीं बड़ा चार्ट बनाना है जिसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ लिख देंगे बाहर, यहाँ पे आउटसाइड ए, ठीक है, ए के बाद यहाँ पे लाइन खींच देंगे, ठीक है, और ए का तो हो गया, नीचे बी, ऐसे सी डी ई, ये आपका चार्ट काफी बड़ा होगा, ठीक है, काफी बड़ा चार्ट आप बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये चार्ट आपको पूरा बनाना होगा। अब देखिए इसमें नंबर्स लिखने हैं, तो क्या लिखना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना, तो जीरो का जीरो में हो गया है, ये वंस फॉर्म पे है तो वंस 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 पे आ गया, ठीक है, टू आ गया, नाइन आ गया, ठीक है, आगे एट आ गया, सेवन आ गया, फिर सिक्स हो गया यहाँ पर, और फाइव यहाँ पर आ गया, और फिर इसके आगे टू आ गया, यहाँ सेवन आ गया, सॉरी मैंने नेक्स्ट कोई अदर क्वेश्चन ले लिया है, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जीरो टू नाइन एट सेवन सिक्स, सिक्स के बाद यहाँ वन आएगा, वन और वन यहाँ पे फाइव, ठीक है, इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है। और भी नीचे वाला बी देख लीजिए, ए बी सी डी बनाना है, नाइन यहाँ पर, एट यहाँ जीरो, यहाँ पर सेवन, यहाँ पर सिक्स, यहाँ पर फाइव और यहाँ पर टू, यहाँ पर वन, यहाँ पर सेवन। अब देखिए आप इधर से भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड होना पड़ेगा, और इजी मेथड मैंने आपको बताया कि आप बैक साइड से लिखेंगे तो जल्दी लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। और इसी तरीके से आपका देखिए नीचे क्वेश्चन आएगा, अभी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम आपको ऐसे करना है, बट उसका जो चार्ट बनेगा वो चार्ट आपका ये बनेगा। देखिए पेज नंबर 10 पे अपर साइड में उसमें क्या होता है, वंस टेंस हंड्रेड, वन थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, वन मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन, तो ये वाला चार्ट आपको यहाँ पे बनाना होगा, ये लिखना होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको सेम ऐसे ही नंबर
डिजिट्स आपको ऐसे लिखने होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 13, 12 और 14 आप ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये सारे वर्ड में दिए हुए हैं, इनको आपको नंबर्स में लिखना है, यानी कि फिगर्स में लिखना है, तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, राइट इन वर्ड्स, इनको वर्ड्स में लिखना है, तो आप पीछे से इनको रीड करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, टेन करोड़, तो 58 करोड़, 73,000, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख सकते हैं आप इसको, लेकिन आपको इसको पहचानना होगा, ये इंटरनेशनल सिस्टम की फॉर्म है। अभी इंडियन सिस्टम की फॉर्म में क्या था, कोमा से हम पता लगा सकते हैं, मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको बताया था, कोमा से पता लगा सकते हैं, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में, क्योंकि 3-3 पर कोमा है, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल फॉर्म पे आपको लिखना होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अब इसमें भी इन सर्कल दिया हुआ है, यानी कि इसमें भी प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे दिया हुआ था सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। तो ये हो जाती है आपकी एक्सरसाइज खत्म। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम पहुंचते हैं, एक्सरसाइज 2.2, मैं इरेज कर देता हूं इसको। देखिए इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि इसको फैला के लिखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं इसका, फर्स्ट का ए, 2, 8, 6, 4, 3, 2, 6, 5, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखो 2 आगे कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ओके, हाँ यस राइट, 6, 1, 2, 3, 4, 5, आगे कितने डिजिट रह जा रहे हैं उतने ही आपको जीरो लिखने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 0, 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट 3, कितने डिजिट आगे, 3, तो 3, 0, 1, 2, 3, नेक्स्ट सॉरी कॉमा नहीं लगाना है, प्लस लगाना है, आई फॉरगेट, प्लस लगाना है, ओके, नेक्स्ट 2, आगे डिजिट है 2 प्लस 6, 1 डिजिट है प्लस 5, कोई आगे डिजिट नहीं है, तो 5 का 5, इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं इसको। अब देखिए इसमें आगे दिया हुआ है, अब ये इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए अब इसको हम अभी तो मैंने आपको बताया एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं डिजिट में, ठीक है, लेकिन अब इनको हम किस तरीके से कन्वर्ट भी कर सकते हैं वर्ड में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, तो इसको लिखेंगे 2 करोड़ प्लस वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड लैक टेन लैक, तो क्या हो गया 80 लैक। ओके, आप इसको 8-10 भी लैक लिख सकते हैं, 8-10 लैक, ठीक है, प्लस वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक, तो 6 लैक, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये वर्ड फॉर्म में भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म में जैसे ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ये इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको, और इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने के बाद ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, देखिए लिखा हुआ है 78 लाख 5। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इस जो तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसका जो हम नंबर बनाएंगे उस नंबर में कितने डिजिट हैं ये हमें बताना है, तो 78 लाख 5, यानी कि कैसे लिखेंगे कैसे हम 78 लाख 5, इधर से भी काउंटिंग कर लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, लैक, टेन लैक, ये आ गया, देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, लैक, टेन लैक, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड लैक, सॉरी एक जीरो होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक,
ठीक है। तो ये हो गया इसका 78,05,000। मैं कई बार मिस्टेक कर जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे टंग पे नहीं आ पा रहा है कि इसको पढ़ने में, ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000,00,000, 10,000,000, इस तरीके से आपको लिखना है। तो हमने लिख दिया, अब इसमें कितने नंबर हैं, कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका आंसर क्या हो गया, 7 डिजिट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बी भी आप करेंगे और सी, आपको पहले इसको नंबर में लिख लेना है, नंबर फॉर्म में, और उसके बाद इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, देखिए 4 का ए दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो 4 का ए सेम वैसे ही दिया हुआ, आप इसको कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन उसी के तरीके से आपको कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने अभी आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 को, यानी कि किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट फॉर्म लिखने का मैं एक और तरीका भी बता सकता हूं आपको, 5 का ए एक मेथड और बता देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको क्या है, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को आप लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसके नीचे उससे छोटे नंबर को लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, इसके नीचे उससे छोटे नंबर को लिख लें, 1, 2, 3, 4, उससे छोटे नंबर को लिख लें, फिर उससे छोटे नंबर को लिख लें, सॉरी, फिर उससे छोटे नंबर को लिख लें, फिर उससे, अब इन सबको ऐड कर दें, देखिए क्या आएगा, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, राइट। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको एक मेथड और बता दिया है। अब देखिए, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 पर। एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे भी लिख देते हैं, 2.3 पढ़ा दिया हमने, 2.3 चल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, अभी इसमें क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने क्लास फोर्थ में भी स्टडी किया होगा, सेम वही क्वेश्चन है, आपको इसको रिपीट करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, देखिए असेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। छोटे से शुरुआत करनी है और बड़े तक पहुंचना है, ठीक है। जिस तरीके से आप प्रेयर में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा स्टूडेंट खड़ा होता है, फिर उसके उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अंत में सबसे छोटा, ओके, राइट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें नंबर्स में बताना है, 2, 3, 5, 6, 3, 1, 7, नेक्स्ट है 5, 3, 2, 1, 9, 8, 1, नेक्स्ट है 3, 1, 4, 8, 7, 3, 2, नेक्स्ट है 3, 1, 4, 7, 3, 2, 7। अब इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे पहले हमें वो पहचानना है। देखिए सबसे पहले हम इसमें इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें देखते हैं कि सभी के डिजिट इक्वल हैं या कम ज़्यादा हैं, तो इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 डिजिट है, यानी कि डिजिट इक्वल है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे, क्या ले, सबसे छोटा नंबर कौन सा, देखिए 23,000, 23,000, 10,000, 10,000,00,000, 23,56,317, ये सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ये लिख लेंगे, ठीक है, 2, 3, 5, 6, 3, 1, 7। और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर देखिए 3, 1, 4, 8, 7, 3, 2, ये भी आपको छोटा लग रहा है, 3, 1 से स्टार्ट हो रहा है ये भी, लेकिन अब इन दोनों में कंपैरिजन करना, तो ये छोटा है 4, 7 वाला, 3, 1, 4, 7, 3, 2, 7, इससे आगे 3, 1, 4, 8, 7, 3, 2, और नेक्स्ट सबसे बड़ा 5, 3, 2, 1, 9, 8, 1,
राइट। तो इस तरीके से आपको सारे नंबर्स जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। और इससे अगला क्वेश्चन भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को सबसे आगे लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों कर लेने हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन करना है और छोटे और बड़े का निशान लगाना है, यानी कि ग्रेटर और स्मॉलर का निशान लगाना है। ये भी आप इजीली कर सकते हैं, कोई इक्वल है तो इक्वल का साइन आपको करना है। आप अंडरस्टूड हैं, समझदार हैं, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। देखिए इस नंबर से स्मॉलेस्ट भी बनाना है और ग्रेटेस्ट भी बनाना है और उस डिजिट को ओनली वन टाइम यूज करना है, रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले इसी नंबर की हम बात कर रहे हैं, बात करते हैं इन डिजिट से कौन सा नंबर सबसे छोटा बनेगा। तो सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा तो यानी कि सबसे छोटा जो डिजिट है उसको लिखेंगे। अब देखिए अगर हम जीरो को लिख लेंगे, जीरो को सबसे पहले लिख लेंगे तो जो डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है तो 5 डिजिट का छोटा नंबर नहीं बनेगा, वो फिर 4 डिजिट का हो जाएगा। तो हमें 5 डिजिट का बनाना है। तो सबसे पहले 1, 0, फिर उसके बाद 2, फिर 5 और 7, ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इसकी ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में भी इसी तरीके से है, 5 को भी आपको ये काफी बड़ा डिजिट दिया हुआ है, इस डिजिट से आपको सबसे बड़ा नंबर भी बनाना है और सबसे छोटा नंबर भी बनाना है। तो आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को भी ऐसे। नंबर 7 की बात करेंगे, 2 नंबर्स आर गिवन, 1 नंबर 3, 4, 7, 8 इज फाउंडेड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि डिजिट को रिवर्स कर दिया गया है, उलट पलट दिया गया है और उससे हमें क्या मिला है, 3, 4, 7, 8 एक नंबर मिल गया है, 3, 4, 7, 8। अब हमें अदर नंबर पता करना है, अदर नंबर कौन सा, फाइंड द विच ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर, यानी कि दूसरा नंबर जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है, उसको हमें बताना है। तो इससे कौन सा बड़ा नंबर बन जाएगा, 8, 7, 4, 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया आपका, ये भी चैप्टर आपका खत्म हो गया, ओके। आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यू कैन डू इट इजीली। अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, रोमन न्यूमरल्स चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में आपको रोमन नंबर्स में क्या है, देखिए सबसे पहले जो चार्ट आपको दिया हुआ है पेज नंबर 21 पर, इसको आपको लिखना है और याद करना है। 1 से 10 तक हम किस तरीके से रोमन नंबर लिखते हैं, रोमन नंबर में आपको थोड़ी सी अलग एक भाषा होती है, तो उसको आपको लिखना 1, 2, 3 इस तरीके से। आपको कुछ आपने क्लास 4th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो पहले 1 to 10 आपको इजीली अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आपको याद करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, 1, 5, 10, LCDM, ठीक है। तो यानी कि इसको L को 50 बोलते हैं, C को 100, D को 500, M को 1000, ये आपको याद करना होगा। और इस आपने पहले 1 से 10 तक अगर याद लर्न कर लिया तो इजीली आप सारे कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको 1 to 100 आपको याद करना है और उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जब आ जाएंगे तो आप इजीली, जैसे 16 लिखा हुआ है तो 16 को हम कैसे लिखते हैं, तो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं, आप बिना देखे भी लिख लेंगे जब आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 3rd है, 4th है, 4th को आपको चेंज करना है, 5th में छोटा बड़ा लगाना है, 6th में ऐड करके लिखना है। तो इस तरीके से आप इस पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, इजीली यू कैन डू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आज 1st, 2nd, 3rd, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और चैप्टर 3 आपका खत्म हो चुका है। अब आपको कोई भी समस्या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।